तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी किया गया है, तो दोस्तों उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया या नहीं। दोस्तों, आप मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया तरीका बताएंगे जिसके मदद से आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। बस आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया या नहीं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत कोई भी पैसा मिलता है, यानी कि सालाना 6000 रुपया मिलता है, और दोस्तों आपको पता नहीं है कि इस बार आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया नहीं, तो दोस्तों आप जो मैं इस वीडियो में तरीके बताएंगे, इस तरीके की मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हो कि इस बार आपके बैंक अकाउंट में, यानी कि 16वीं किस्त आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक के तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आगे भी आपको इसी तरह का यूजफुल एंड जेन्युइन कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आपके इस बार पैसा मिला या नहीं, यानी कि 16वीं किस्त आपके बैंक अकाउंट में आया या नहीं, उसे चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस पोर्टल पर आ जाना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना, इस पोर्टल के लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। एंड इस वेबसाइट पर आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर आना है। एंड नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि देखिए दो नो योर पेमेंट। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे नो योर पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड नो योर पेमेंट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो दोस्तों, आप यहाँ पे जो देख सकते हो सबसे ऊपर बैंक, तो दोस्तों आपका जो भी बैंक का नाम है, जिस बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, सिंपली दोस्तों उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इंटर अकाउंट नंबर। सो दोस्तों, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं जो कि देख सकते हो इंटर अकाउंट नंबर। तो आपका जो भी अकाउंट नंबर है आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इंटर कन्फर्म अकाउंट नंबर, तो आपका जो भी कन्फर्म अकाउंट नंबर होगा, यानी कि इस दो बॉक्स में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके जो कैप्चर कोड देख रहे हैं, इस कैप्चर कोड को सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो दोस्तों आपको इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड सेंड ओटीपी ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा ना, उसमें आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ठीक है, उस ओटीपी को आपको इंटर ओटीपी के इस बॉक्स में फिल कर देना है, जो कि देख सकते हो मेरा ओटीपी आ चुका है। एंड ओटीपी फिल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई ओटीपी, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो चुका है, जो कि देख दो ये मेरा बैंक का नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा अकाउंट नंबर है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा बेनिफिशियरी नेम है, एंड किस डेट को मेरा पैसा आया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि सॉरी दोस्तों मैं किस डेट को मैं देख रहा हूँ ये स्टेटस, यहाँ पे लाइव स्टेटस डेट यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा नाम है। एंड आप मुझे कितना किस्त मिला है जो कि देख सकते हो, और स्कीम नेम आप यहाँ पे देख सकते हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि देख सकते हो लाइव प्रूफ यहाँ पे देख सकते हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यहाँ पे देख सकते हो, मुझे पाँच किस्त एक साथ मिला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे पाँच किस्त यहाँ पे सो चुका है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो यूटर नेम एंड एजेंसी नेम आप यहाँ पे देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर झारखंड। सो दोस्तों, आप कुछ इस तरह से चेक कर सकते हो कि इस बार आपके बैंक अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपका पैसा आया या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आई डी यहाँ पे शो हो चुका है। सो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा बेनिफिशियरी नेम है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये एजेंसी नेम है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो स्कीम नेम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपया मिलता है, और दोस्तों आपको इस बार पता नहीं चल रहा है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया या नहीं, तो दोस्तों आप कुछ इस तरह से इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप यहाँ पे लाइव प्रूफ चेक कर सकते हो कि आपके बैंक अकाउंट में इस बार 16वीं किस्त का पैसा आपके आया या नहीं, जो कि मैं आपके यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखा दें। सो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के मदद से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करेगा एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। आगे भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड इस चैनल पर आपको हर अपडेट मिलती रहेगी। सो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।